रचना जी ने जो ट्रेड पकड़ा है ओपनिंग के बाद उस पे बातचीत। रचना जी कौन सा ट्रेड है? मेरी नजर एक एलआईसी के फ्यूचर्स पे है। एलआईसी के फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। ये काउंटर ऑफ फ्यूचर्स के हिसाब से जब तक 361 होल्ड करेगा तो ये ऊपर वाली साइड पे बहुत ही जल्दी 373 एंड इवन 378 की तरफ जाता हुआ फ्यूचर्स पे नजर आ सकता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का फ्यूचर, खरीदारी करने का मान रचना जी की तरफ से ये आता हुआ। अच्छा, इस बीच एक स्टॉक हीरो मोटो, आज ऑटोस का पूरा पैक दिखाइएगा। हीरो मोटो कॉर्प अब 2.5% के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। टाटा मोटर्स जो अभी अभी मानस ने शायद बातचीत करी, 0.25% का मूव। अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, सब में अच्छा। मारुति सुजुकी का एक ट्रेड हम राइड भी कर रहे हैं। टीवीएस मोटर्स, एमएनएम, सब में 1 से लेकर 2.5-3% तक का उछाल। लेकिन सचिन, हीरो मोटो कॉर्प कल 52 हफ्तों के लोज को, जब प्रेशर आ रहा था तो उस लोज को डिफेंड करा, घूमे और आज तेजी, तेजी क्या कहूं, रिकवरी मोड पे स्टॉक आता हुआ। ट्रेड लेना है कि छोड़ दिया जाए? मुझे लग रहा है यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक पुल बैक के नजरिए से देखना चाहिए। काउंटर में अभी भी यहाँ पर वीकनेस है। ओवरऑल स्ट्रक्चर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस का काफी वेल डिफाइंड है वीकली चार्ट पे भी, तो मुझे लगता है यहाँ पर इमिडिएटली एक्साइट नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एक ब्रेकडाउन हुआ है 2400 लेवल के आसपास, उसका इफेक्ट अभी तक कम्प्लीटली देखा नहीं है, तो मुझे लग रहा है नीचे के कोड जरूर आ सकते हैं। बट फिलहाल जिस तरीके से ये पुल बैक है, मुझे लग रहा है ये पुल बैक कहीं जाकर 2300 लेवल के आसपास स्विंग हो सकता है। मुझे लग रहा है वहां पर एक प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकता है ऑन द शॉर्ट साइड, बट इमीडिएट बेसिस पे कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है खरीदारी अवॉइड करनी चाहिए काउंटर में, एंड पुल बैक अगर उस लेवल के आसपास मिल जाता है तो वहां पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं।